हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। लाइफ विद शंकर एंड प्रियंका में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ एक यूनिक तरीके से केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट होगा और विदाउट एग होगा। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं। मेरे पास है हंकर, जो कि मैंने रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, तो इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा सा शक्कर डालूंगी, ये तकरीबन हाफ कप है, क्रिस्टल शुगर है, इसको मुझे विस्क करना है। जो कर्ड मेरे पास था इसको चीनी के साथ विस्क करना है। जब तक ये शुगर डिसॉल्व नहीं होता है इसको विस्क करना होगा। मेरे पास है हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और इसमें 1 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। मुझे विस्क कर लेना है अच्छे से। ये हाफ टी स्पून विनीगर है और इसमें अब डालेंगे हम वैनिला का एसेंस 1 टीस्पून। ये मेरे पास हार्वीज का वैनिला एसेंस है, आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अभी हम इसमें डालेंगे व्हीट का फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर नहीं डाल रहे हैं, मेरी बेटी के लिए है, तो इसमें हम डालेंगे होल व्हीट फ्लावर। आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। अभी हमें इस फ्लावर को इसमें डालना है। ये पहले से ही छाना हुआ था तो इसमें मैंने नहीं छाना। ये 1 कप है, ये एक्चुअली हाफ कप है, तो और थोड़ा सा हमें इसमें डाल। इसमें देखिए मैंने चोको चिप्स डाला है और आप इसमें ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई नट्स भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ इसमें आलमंड्स डालूंगी गार्निशिंग के लिए। अभी जो चोको चिप्स अंदर गया है इसको अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे। अभी जो काम होगा इम्पोर्टेंट होगा, तो मैं इस केक को बनाऊंगी ओवन पे, मीन्स माइक्रोवेव पे नहीं, गैस पे बनाऊंगी। तो देखते हैं कैसे बना। इसका बैटर मैंने इसमें बटर पेपर डाला हुआ है, देखिए कैसा इसका फोल्ड आ रहा है अच्छे से, कैसा ठीक हुआ है देखिए। नहीं, ये ठीक ठाक परफेक्ट हुआ है। इसको मैं आज गैस में बनाऊँ, के घर में माइक्रोवेव नहीं है वो भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ये दूसरा टाइप, ये ट्रेडिशनल टाइप एक्चुअली। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, मेरे पास जो दही था वो दही कोई खा नहीं रहा था, तो उस दही का मैंने यूटिलाइजेशन किया केक बना के। तो ये दिखा रहा हूँ आपको कैसा ठीक हुआ है, देखिए ये कन्वेंशनल मोड है केक बनाने के लिए, गैस में आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे करना होगा ताकि जो बबल्स इनसाइड में है वो बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक बबल्स आया था, वो बाहर निकल रहा है। दिया हुआ था तो ये भी सिल्वर का है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी फिलहाल मैं इसमें चॉको चिप्स डालूंगी और मेरे पास अभी डार्क चॉकलेट चिप्स है, वाइट वाला नहीं है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे आलमंड्स, आलमंड्स आप इसको इस तरह से आप प्लम केक ही बना सकते हैं, जो क्रिसमस के टाइम पे जो केक आता है बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है, तो आप उसमें वो भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा काजू जीत में डाल रही हूँ। इस
केक को आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रेशर में नहीं करूंगी, मैं अभी कढ़ाई में जो है कढ़ाई को मैंने प्री हीट करके रखा हुआ है, तो कढ़ाई में ही कर रहे हैं। फिलहाल कढ़ाई का हाल बहुत खराब है, लेकिन चला लेते हैं। नहीं कढ़ाई का हाल नहीं, ये वर्स्ट है एक्चुअली, ये ऐसा ही है। तो आप लोगों के पास अगर कोई सजेशन है इसको कैसे पूरा क्लीन करें, प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप टाइप कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेड है वो इसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाता है। ये बहुत दिनों से ऐसा ब्लैक, ये क्लीन है एक्चुअली, इसका जो जला हुआ जो दाग है ये नहीं जा रहा है। तो हीट मैंने बढ़ा दिया है, ये देखिए ये प्री हीट हो चुका है, माइक्रोवेव का जो प्री हीट मोड है ये प्री हीट हो चुका है। अभी करना है कि इसको मुझे ढकना होगा। देखिए ये कढ़ाई बहुत ही गर्म है, नीचे मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है और कुछ नहीं डाला है इसमें। आप नमक से भी इसको कर सकते हैं, मैंने सिर्फ स्टैंड दिया है और इसको अभी 45 मिनट्स के लिए ऐसे ढकूंगी। थोड़ा सा एयर पैसेज की भी यहाँ पे जगह है साइड में। मेरे पास एक्चुअली जो ग्लास का लीड था वो इसमें अटक नहीं रहा था, तो मैंने ये वाला डाल दिया है। कितना टाइम रखेंगे? 45 मिनट्स रखना होगा। 45 मिनट्स ओ। हीट को थोड़ा सा मीडियम हाई करना होगा, ज्यादा हाई नहीं, मीडियम हाई। ज्यादा हाई होगा तो जल जाएगा। हाँ, केक पकेगा नहीं। ये देखिए ये लो है, मैं इसको ज्यादा हाई नहीं मीडियम हाई कर रही हूँ। इसको अभी पकने के लिए छोड़ देते हैं और अभी मेरे बेटे क्या कर रहा है ये देखने के लिए जाते हैं घर में। तो 45 मिनट्स के बाद हम लोग दिखाएंगे केक कैसे बना है। मेरा केक बनके तैयार है, देखिए मैंने इसको नीचे कर दिया है ओवन से। अब इसको मैं ढक के थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। मेरा केक बनके तैयार हो चुका है, आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत टेक्सचर है। इसमें जो बटर पेपर लगा हुआ है इस बटर पेपर को हम हटा दे रहे हैं। और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, देखिए कितना मॉइस्टी है, कितना सॉफ्ट है। तो मैं इसका कोई आइसिंग नहीं करूँगी, ये हम सिर्फ सिंपल स्पॉन्ज केक, चॉको चिप्स केक की तरह ही खाएंगे आज। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट एंड मॉइस्टी हुआ है, देखिए। तो आप देख सकते हैं केक कितना सॉफ्ट है। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लाइफ विद चोकर एंड प्रियंका को सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मेरा पूरा दिन का वीडियो शेयर करती हूँ। और ये मेरी बेटी, हेलो।